अरे एक अंडे में से तो मेरा बच्चा बाहर आ गया। अब मुझे जल्दी से इसे यहाँ से ले जाना होगा। अगर इसने देख लिया तो ये तो मेरे बच्चे को खाई जाएगी। टुनटुनी चिड़िया का बच्चा जैसे ही आवाज करने लगता है तो टुनटुनी चिड़िया अपने पैरों से अपने बच्चे को छिपा कर वहाँ से दूसरे पेड़ पर लेकर आ जाती है। तभी दोनों अंडों से भी बच्चे निकल आते हैं। चलो मेरे तीनों अंडे से तो बच्चे निकल आए हैं, अब मैं अपने तीनों बच्चों को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया अपने तीनों बच्चों को ले जाती है और वहाँ से बहुत दूर चली जाती है। आंध्र प्रदेश के एक जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया अकेले ही बरगद के पेड़ पर अपने एक छोटे से घोंसले में रहती थी। उसी जंगल में कुछ ही दूरी पर एक खतरनाक चील रहती थी। वो चील उस जंगल में प्रत्येक दिन एक एक पक्षी का शिकार कर लेती थी। हर रोज एक एक पक्षी का शिकार करने के कारण उस जंगल में सभी पक्षी समाप्त हो गए। तब चील बोलती है, अरे अरे इस जंगल के सभी पक्षियों का तो विनाश हो गया, सारे जंगल के पक्षियों को तो मैं ही मार कर खा गई। अब मैं क्या खाकर जीवित रहूंगी? सुना है पास वाले जंगल में ढेर सारे पक्षियों का बसेरा है, इसीलिए मैं वहीं पर चली जाती हूँ और फिर वहाँ पर भी एक पक्षी को हर रोज मार कर खाऊंगी। वहीं टुनटुनी चिड़िया अपने तीन अंडों के साथ अपने घोंसले में बसेरा कर रही थी। उसका घोंसला इतना छोटा था कि उसके तीन अंडे रखने के बाद घोंसले में एक चींटी के बैठने की भी जगह नहीं रहती थी। इसीलिए चिड़िया हर वक्त अपने घोंसले के बाहर डाली पर ही बैठा करती थी, यहाँ तक कि उसी डाली पर सोया भी करती थी। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले के बाहर बैठी अपने अंडों पर नजर रख रही थी। तभी वो देखती है कि जंगल के कुछ पक्षी भागदौड़ कर रहे हैं। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया मिट्टू तोता को आवाज लगाती है, अरे मिट्टू काका, अरे ओ मिट्टू काका। अरे अरे चिड़िया बहन, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? अरे अपने अंडों को लेकर भागो यहाँ से। क्या काका, क्या हो गया है? अरे बहन, हमारे जंगल में एक खतरनाक चील घुस आई है। वो पक्षियों के अंडे और पक्षियों के बच्चों को खा रही है, इसीलिए हम पक्षी अपने बच्चों को लेकर यहाँ से भाग रहे हैं। इसीलिए आप भी अपने अंडों को लेकर यहाँ से भाग जाइए। इतना कहकर मिट्टू तोता अपने बेटे को लेकर वहाँ से उड़ जाता है। ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया घबरा जाती है। अरे बाप रे, मेरे तीन अंडे हैं, अब मैं क्या करूं? मैं एक साथ अपने तीनों अंडों को नहीं ले जा सकती, क्या करूं? टुनटुनी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो कैसे अपने अंडों को उस चील से बचाए। तभी टुनटुनी चिड़िया की नज़र उसी पेड़ के बरगद के पत्तों पर पड़ती है, जिसके बाद टुनटुनी चिड़िया कई सारे पत्ते तोड़कर अपने घोंसले और अपने अंडों को उन पत्तों से छिपा देती है। अब वो चील मेरे अंडों को नहीं देख पाएगी। तभी वो चील वहाँ पर आ जाती है। टुनटुनी चिड़िया उस चील को देखकर एक पेड़ की डाली के पीछे छिप जाती है। चील उसी डाली पर आकर बैठ जाती है जहाँ टुनटुनी चिड़िया के अंडे घोंसले में रखे हुए थे। अरे बाप रे, ये चील तो मेरे घोंसले के पास ही आकर बैठ गई। अगर इसने मेरे घोंसले को देख लिया तो ये मेरे तीनों अंडों को खा जाएगी। अब मैं इस जंगल के हर पक्षी के अंडे को खा जाऊंगी। तभी उस चील की नजर उन पत्तों पर पड़ती है जहाँ टुनटुनी चिड़िया का घोंसला था। अरे ये इतने सारे पत्ते यहाँ कैसे? चलो मैं देखती हूँ कि क्या है इसके नीचे। चील वहाँ आ जाती है। वो उन पत्तों को हटाती है। जैसे ही वो उन पत्तों को हटाती है तो देखती है कि वहाँ तीन अंडे टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में पड़े हुए थे। ये देखकर चील बहुत खुश हो जाती है।
अरे वाह, यहाँ तो 3 अंडे हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया तेजी से उड़कर वहाँ आती है। अरे चील बहन, ये आप क्या कर रही हो? मैं इन 3 अंडों को खाने जा रही हूँ। अरे नहीं नहीं चील बहन, आप ऐसा मत करना, वरना आपका पेट खराब हो जाएगा। अरे वाह, इन अंडों को खाने पर मेरा पेट खराब हो जाएगा, तो फिर मैं इन अंडों को जरूर खाऊंगी। लगता है ये चील पागल है, इसे हर बात उल्टी समझ आती है। अरे चील बहन, ये अंडे जादुई हैं। क्या ये अंडे जादुई हैं? हाँ हाँ चील बहन, ये अनजान पक्षी का घोंसला है, उसने यहाँ एक अंडा दिया था और फिर पता नहीं कि वो पक्षी कहाँ चली गई। उसके बाद ही 1 से 2 अंडे हो गए और अपने आप ही 2 से 3 अंडे हो गए। जंगल के पक्षियों ने जब इन अंडों को देखा तो कोई भी इन अंडों के पास नहीं आता। आप भी इन्हें मत खाइए, वरना आपके साथ क्या होगा इसका अंदाजा आप भी नहीं लगा सकती। अरे वाह, ये अंडे अपने आप ही 1 से 2 और 2 से 3 हो गए। इसका मतलब ये 3 से 4 और 4 से 5 भी हो सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है बहन, क्योंकि ये जादुई अंडे हैं ना, इसीलिए इसका मतलब ये 100 अंडे भी हो सकते हैं। अब तो इन्हें मैं अपनी गोद में रखूंगी और ये पूरे 100 अंडे हो जाएंगे, फिर मैं इन्हें खा जाऊंगी। अच्छा बहन, अब तुम जाओ। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से उड़कर बगल वाले पेड़ पर बैठ जाती है और वहीं से अपने अंडे और अपने घोंसले पर नजर रखती है। वो चील उसी घोंसले के आजू बाजू घूमती रहती है। ये तो एक नंबर की पागल चील है, इससे मैं कौन सी बात कह रही हूँ और ये क्या सुन रही है? और इसने तो मेरे अंडे और मेरे घोंसले पर ही कब्जा कर लिया है। मुझे कैसे भी करके अपने अंडों को वहाँ से निकालना होगा। इस पागल चील का कोई भरोसा नहीं, कब ये मेरे अंडों को खा जाए। टुनटुनी चिड़िया वहीं डाली पर बैठकर अपने अंडों पर नजर रख रही थी। उधर वो पागल चील पूरे घोंसले का चक्कर लगा रही थी। अरे ओए अंडों, जल्दी से 100 अंडे हो जाओ। देखते ही देखते कई दिन गुजर जाते हैं, पर वो 3 अंडे घोंसले में जैसे के तैसे ही पड़े हुए थे। जब चील ये देखती है तो गुस्सा हो जाती है और वो टुनटुनी चिड़िया को आवाज लगाती है। अरे चिड़िया बहन, कहाँ हो तुम, जरा इधर आओ। टुनटुनी चिड़िया भी कई दिनों से वहीं बैठकर अपने अंडों पर नजर रख रही थी। चील की आवाज सुनकर वो उसके पास आती है। क्या हुआ चील बहन? तुमने तो कहा था ये अंडे अपने आप 1 से 2 हो जाते हैं। इस पागल चील के चक्कर में कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। पता नहीं इस पागल चील को कहां से मेरे अंडे दिख रहे थे। अरे चील बहन, ये जादुई अंडे हैं और ये 1 से 2 तभी होते हैं जब इन्हें कोई देख नहीं रहा होता। आप तो इन अंडों पर हर समय नजर रख रही हो, तो ये अंडे 3 से 4 कैसे होंगे? अरे चील बहन, आप रात को सो जाया करो। जब आप रात को सो जाया करोगी तो आप सवेरे खुद देखोगी कि ये अंडे 3 से 4 हो गए। अच्छा ऐसा है, तो आज रात को मैं सो जाऊंगी। रात के समय में चील उसी घोंसले के बाहर सो गई थी, तभी टुनटुनी चिड़िया के एक अंडे में से बच्चा बाहर निकल आता है। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया तुरंत अपने अंडों के पास आती है। अरे एक अंडे में से तो मेरा बच्चा बाहर आ गया, अब मुझे जल्दी से इसे यहाँ से ले जाना होगा। अगर इसने देख लिया तो ये तो मेरे बच्चे को खाई जाएगी। टुनटुनी चिड़िया का बच्चा जैसे ही आवाज करने लगता है तो टुनटुनी चिड़िया अपने पैरों से अपने बच्चे को छिपा कर वहाँ से दूसरे पेड़ पर लेकर आ जाती है। तभी दोनों अंडों से भी बच्चे निकल आते हैं। चलो मेरे 3 अंडे से तो बच्चे निकल आए हैं, अब मैं अपने 3 बच्चों को लेकर
यहाँ से कहीं दूर चली जाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया अपने तीनों बच्चों को ले जाती है और वहाँ से बहुत दूर चली जाती है। उसके घोंसले में दो दो खाली टुकड़े पड़े हुए थे। अगले दिन सुबह वो पागल चील जब इतने सारे खाली अंडों को देखती है तो उसे गुस्सा आ जाता है। अरे ये क्या, ये अंडों को किसने फोड़ दिया? और वो टुनटुनी चिड़िया कहाँ है? टुनटुनी चिड़िया पागल चील को पागल बनाकर वहाँ से बहुत दूर चली गई और वो अपनी बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, क्या आपको मेले में घूमना अच्छा लगता है? तो चलिए मैं आपको जंगल के मेले में ले चलती हूँ। मीनू चिड़िया की बस्ती में बहुत बड़ा मेला आया है। सारे पशु पक्षी मेले का मजा ले रहे हैं। ऐसे ही हमारी मीनू अपनी बेटी लाड़ो को मेला घुमाने लेकर आई है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। मेरी बेटी, हमारी बस्ती में मेला आया है। माँ, ये मेला क्या होता है? लाड़ो, मेला बहुत मजेदार होता है। यहाँ जंगल के बहुत सारे पशु पक्षी अपना खेल दिखाते हैं। माँ, मुझे भी देखना है मेला, मुझे भी जाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम मेला देखने जाएंगे। इतना बोलकर मीनू अपनी बेटी को अपनी पीठ पर बिठाकर मेले की तरफ निकल पड़ती है। कुछ देर मेला घूमने के बाद लाड़ो की नजर झूले पर पड़ जाती है। माँ, ये क्या है? मेरी बेटी, ये झूला है, क्या तुम्हें इसमें बैठना है? हाँ हाँ माँ, मुझे इसमें बैठना है। उस झूले की मालिक एक चील थी। आइए आइए, झूले में आसमान की सैर कीजिए। एक चक्कर के लिए सिर्फ एक बेरी। आइए आइए। चील बहन, मेरी बेटी को झूले में बिठाइए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लाइए एक बेरी। मेरे पास तो बेरी नहीं है, और बेरी का पेड़ तो ऊंचे बर्फीले पहाड़ों पर है। मैं इतना ऊंचा तो नहीं उठ सकती। चील बहन, प्लीज बैठने दीजिए ना मेरी बेटी को। नहीं नहीं, अगर बेरी नहीं तो जाओ यहाँ से। चील की बात सुनकर लाड़ो रोने लगती है। माँ, मुझे झूले पर बैठना है, प्लीज माँ। मीनू चिड़िया निराश हो जाती है। तभी वहाँ हरी तोती अपने बेटे को लेकर आ जाती है। अरे ओ चील बहन, मेरे बेटे को झूले पर बिठा लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लाओ एक बेरी। ये लो एक बेरी। हरी तोती के पास से एक बेरी लेकर चील हरी तोती के बेटे को झूले में बिठा देती है। ये सब देखकर मीनू और भी ज्यादा मायूस हो जाती है। हरी तोती के पास बहुत सारी बेरियाँ थी। मीनू हरी तोती से कहती है, अरे बहन, क्या तुम मुझे एक बेरी उधार दे सकती हो? इसके बदले मैं तुम्हें एक बोरी अनाज दूंगी। अरे बड़ी आई मुझे अनाज देने वाली, चल जा यहाँ से। दे दो ना बहन, मेरी बेटी झूले में बैठने की जिद कर रही है, दे दो ना प्लीज। मैं नहीं दूंगी, ये बेरियाँ मुझे मेरे दोस्त ने लाकर दी हैं। अगर तुम्हें अपनी बेटी की जिद पूरी करनी है, तोड़ कर जाओ पहाड़ों के बर्फीले टीले पर और तोड़ कर लाओ ढेर सारी बेरियाँ। मीनू नाराज हो जाती है और लाड़ो को लेकर घर आ जाती है। लेकिन लाड़ो का रोना तो बंद ही नहीं हो रहा था। माँ, मुझे झूले में बैठना है, तुम जाओ ना, बेरी लेकर आओ ना माँ। लाड़ो, बेरी का पेड़ बहुत ऊपर है, मैं वहाँ तक नहीं उड़ सकती बेटा, मुझे माफ कर दो। इसके बदले तुम जो चाहो वो मैं तुम्हें ला कर दूंगी। लाड़ो मीनू की एक नहीं सुनती और भी ज्यादा रोने लगती है। रो रो कर लाड़ो वहीं पर सो जाती है। अब मैं क्या करूं, कैसे लाऊं बेरियां? मीनू सोचने लगती है और बर्फीले पहाड़
पहाड़ों पर जाने की ठान लेती है। जब तक लाड़ो सो रही है, मैं बर्फीले पहाड़ों से बेरियां तोड़ लाती हूँ। मुझे ये करना ही पड़ेगा। मैं अपनी बेटी को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती। मीनू चुपके से घर के बाहर आ जाती है और बाहर से घर का दरवाजा बंद कर देती है। जब तक लाड़ो सो रही है, तब तक मैं जाकर आती हूँ। मीनू पहाड़ों की तरफ जाने लगती है। जैसे जैसे मीनू ऊपर जा रही थी, उसका दम घुटने लगा था। जैसे तैसे करके मीनू बर्फीले पहाड़ों पर पहुंच जाती है। मीनू इतना ऊंचा उड़कर कभी नहीं आई थी और मीनू वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर गई। कालू कौवा मीनू चिड़िया के घर के पास आता है और घर का दरवाजा बाहर से बंद देखता है। अरे, ये दरवाजा तो बाहर से बंद दिख रहा है। कालू वापस मुड़कर जाने ही वाला था कि तभी उसे लाड़ो की रोने की आवाज आ गई। माँ, तुम कहाँ चली गई हो? माँ, कहाँ हो? माँ, तुम कहाँ हो? अरे, ये तो लाड़ो की आवाज लग रही है। मुझे अंदर चलकर देखना होगा। कालू दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। जब वो देखता है तो मीनू घर के अंदर नहीं थी। वो अनाज लेने मेरे साथ आने वाली थी। शाम हो गई, अभी तक नहीं आई, इसीलिए मैं देखने चला आया। कालू मामा, पता नहीं माँ कहाँ चली गई। हमारे जंगल में मेला आया है ना? आज माँ मुझे मेले में लेकर गई थी, लेकिन वहाँ पर मैंने झूले में बैठने की जिद की, लेकिन झूले की मालकिन एक चक्कर की एक बेरी मांग रही थी, लेकिन माँ के पास तो बेरी नहीं थी। फिर मैं बहुत रोने लगी और माँ मुझे घर लेकर आई। फिर मैं रोते रोते यहीं पर सो गई। मुझे लगता है कि माँ मुझसे नाराज हो गई हैं। कालू मामा, तुम मेरी माँ को ढूंढ कर लाओ ना, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। माँ, कहाँ हो तुम? माँ, अरे लाड़ो, तुम रो मत और न ही चिंता करो। मैं अभी जाकर देखता हूँ कि तुम्हारी माँ कहाँ गई है। कालू कौवा घर से उड़ जाता है और आसपास के पक्षियों से पूछताछ करने लगता है। और वो सभी घरों में मीनू की पूछताछ कर रहा था, पर किसी ने भी मीनू को नहीं देखा था। कालू कौवा बहुत चिंतित हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो मीनू को कहाँ ढूंढे। तभी कालू कौवा को सामने पिंकी चिड़िया आते हुए दिखाई देती है और वो जल्दी से पिंकी चिड़िया के पास चला जाता है। अरे कालू, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? पिंकी बहन, क्या आपने मीनू को देखा है? वो दोपहर से गायब है। हाँ, मैंने मीनू को बर्फीले पहाड़ों की तरफ जाते हुए देखा था। शायद लाड़ो बर्फीले पहाड़ों पर गई होगी। वो बहुत जिद्दी है। वो अपनी बेटी की जिद को पूरे करने के लिए कुछ भी कर सकती है। शायद मीनू मुसीबत में होगी। मुझे जल्दी से वहाँ जाना होगा। कालू कौवा जल्दी से बर्फीले पहाड़ों की तरफ निकल पड़ता है। वो जैसे ही बर्फीले पहाड़ों पर पहुँच जाता है, वो मीनू को आवाज लगाने लगता है, लेकिन मीनू उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। मीनू, अरे ओ मीनू, कहाँ हो तुम? मीनू, तभी अचानक कालू कौवा को मीनू जमीन पर बेहोश पड़ी हुई दिखाई देती है और वो जल्दी से उसके पास आता है। अरे मीनू, मीनू उठ जाओ। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? मीनू को इतना ऊंचा नहीं आना चाहिए था। शायद दम घुटने की वजह से ये बेहोश हो गई है। मैं एक काम करता हूँ, मैं नदी से पानी लेकर आता हूँ और उसके ऊपर डालता हूँ, जिससे उसे होश आ जाएगा। ये कहकर कालू नदी पर जाता है और नदी से पानी लेकर आता है। वो पानी वो मीनू चिड़िया के ऊपर डालता है, जिससे मीनू चिड़िया को होश आ जाता है। फिर वो मीनू चिड़िया को लेकर घर आ जाता है।
ये सब उस चील की वजह से हुआ है। मैं देखता हूँ कि वो चील हमारी लाड़ो को अपने झूले में कैसे नहीं बिठाती है। चलो लाड़ो मेरे साथ। कालू कौवा लाड़ो को लेकर मेले की तरफ निकल पड़ता है। कालू मामा, आप मुझे मेले में लेकर क्यों जा रहे हो? लाड़ो बेटी, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कालू लाड़ो को लेकर मेले में आ जाता है। चील बहन, मेरी भांजी को झूले में बिठाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लाओ एक बेरी। चील कालू से बेरी लेती है और लाड़ो को झूले में बिठाती है। तब तक मीनू वहाँ आ जाती है। मीनू लाड़ो को झूला में बैठा हुआ देखकर बहुत खुश होती है और कालू के पास आ जाती है। कालू भैया, ये कैसे हो गया? अरे मीनू, ये कितना आसान था। जब मैं तुम्हारे लिए नदी से पानी लेने गया तो वापस आते समय मैंने 4-5 बेरियां तोड़ ली, क्योंकि मुझे तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखनी थी। कालू भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी बेटी के लिए इतना कुछ किया और मेरी जान भी बचाई। हाँ हाँ, बस कर पगली, अब क्या रुलाएगी क्या। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। अगर हम लालच करते हैं तो हमारे हाथ कुछ नहीं आता। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि टुनटुनी चिड़िया ने अपने अंडों को कैसे बचाया था। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फ़ोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।